बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरहम भट्ट है और आप देख रहे हैं studyabroad.pk, वो चैनल जहां पर आपको बताया जाता है स्कॉलरशिप कैसे हासिल करनी है, और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है और आपसे मुल्क से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन कौन से इदारे हैं इंटरनेशनली, और उनकी रिकग्निशन है कि नहीं। हम चाहते हैं कि आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी और सारी रखें। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि तमाम तर तालीमी अपडेट्स जो हैं और साथ साथ स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप तक पहुँच सके। तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जो है जिस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये इंटरनेशनल स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट है इन USA, USA की जानिब से आप सबके लिए। तो आप कौन सा इदारा है, ये इदारे का नाम जो है विलनोवा यूनिवर्सिटी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है इसमें मैं आगे अपनी डिग्री को परस्यू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि बैचलर्स BS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी रिसेंटली अपना इंटर किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल जाके पढ़ें, इंटरनेशनली ग्लोबली जाके आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस इदारे में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ट्यूशन फ़ी जो है आपकी बिल्कुल माफ़ हो जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतरते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर ऑफ जो सीट हैं वो भी उसकी कोई तायुन नहीं है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस मॉडल क्या है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, विलनोवा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई करेंगे, अपनी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके साथ साथ आपकी जो भी आपके जो पीछे आपके सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपके रिजल्ट कार्ड चाहिए, वो सब आपने ध्यान से करना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, नेशनैलिटी कौन सी होनी चाहिए, इंटरनेशनल होना ज़रूरी है, ये लोकल के लिए नहीं है। तो इसका फ़ायदा होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको रिकग्निशन ज़्यादा मिलेगी। जो अवार्ड दिए जाएंगे वो USA में दिए जाएंगे। फिर उसके साथ साथ जो डेडलाइन है, लास्ट अप्लाई करने की जो डेट है वो है 5 मई 2022। तकरीबन 6 महीने का जो आपके पास दुरानिया है, आप अभी इंटर के दोबारा पेपर दे के भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटर के पेपर से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, तमाम स्टूडेंट्स के पास F1 या J1 का वीज़ा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वो वीज़ा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके साथ साथ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो आखिरी रिक्वायरमेंट है, आपको TOEFL या IELTS में क्लियर होना ज़रूरी है, एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स हों। अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड आई होप कि आप लोग जो हैं अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को फिर से एक बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम तर तालीमी अपडेट्स जो हैं तवातुर के साथ आप तक पहुँच सकें। अपने मेज़बान अरहम भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।